हेलो फ्रेंड्स, क्रैक द कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नियंत्रण रेखा, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में या किसी अन्य माध्यम से अवश्य सुना होगा। अधिकतर लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में या तो मालूम नहीं होता, या अगर किसी को मालूम भी है तो उनके दिमाग में LOC को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो एक सच्चा देशभक्त होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें LOC के बारे में पता होना चाहिए, जहां हमारे देश के जवान अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं और दिन रात तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल को समझने से पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर का ये मैप दिखाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के इस मैप में आप ये देखिए, ये जो मैं आपको अपनी पेन की मदद से दिखा पा रहा हूँ, ये एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल का के नॉर्थ में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं POK। POK स्टैंड्स फॉर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे 1948 में, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर में हमला किया, तो उस समय यहाँ के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले एक इंडिपेंडेंट राज्य जिसने अपने आप को घोषित किया हुआ था, इस जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज कर दिया गया भारत के साथ। तो जब भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मर्ज कर दिया, तो उसके बाद भारतीय सेना ने इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपना अभियान चलाया। तो जब भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को यहां तक खदेड़ चुकी थी, तो उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन UN में इस युद्ध को रोकने की गुहार लगाई। तो तत्पश्चात यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर घोषित कर दिया। सीज फायर का अर्थ यह हुआ कि अब जो सेना जहां है वो वहीं रहेगी और वो हिस्सा उसी के कब्जे में रहेगा। तो उस समय तक जो पाकिस्तानी सेना थी वो इस हिस्से में थी, पाकिस्तानी सेना इस हिस्से में थी, तो ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, ये वाला पार्ट पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, और इसे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो हिस्सा आपको गुलाबी कलर में दिखाई दे रहा है, ये उस समय यहाँ भारतीय सेना थी, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारे हिस्से में आया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको LOC के बारे में एक बात बता दूं कि LOC को 1971 के शिमला एग्रीमेंट से पहले, 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच। तो इस शिमला समझौते के बाद इसका नाम LOC पड़ा, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया। उससे पहले इसे सीज फायर बोला जाता था। ठीक है, ये एक सीज फायर लाइन थी, लेकिन इसे LOC तब कहा गया 2 जुलाई 1972 के बाद। अब आप जरा इसको, इसके नॉर्थ वाले पार्ट को देखिए। LOC के नॉर्थ में जो पार्ट है वो POK है। POK के दो हिस्से हैं। ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये कहलाता है गिलजित और बल्टिस्तान। और ये जो पार्ट आप यहां देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है, इसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, जिसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद। और ये जो आपको कश्मीर दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कश्मीर है। ये वाला पार्ट हिंदुस्तान का कश्मीर है। इसके अलावा ये अक्साई चीन है। और इसके अलावा आपने सुना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ये वाला हिस्सा है। ये अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है, और ये भारत के कश्मीर और ये चाइना के कश्मीर, इसके बीच जो रेखा है, इनका जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर कहलाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। इसके अलावा LOC के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि LOC इसको केवल भारत और पाकिस्तान अपना बॉर्डर मानते हैं, इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्य देश या फिर कोई भी बड़ी संस्था इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर की मान्यता नहीं देती है।
तो इस वजह से यहाँ पर अभी जो भी समस्याएं हो रही हैं वो इसके इंटरनेशनल बॉर्डर न होने की वजह से भी हैं। अगर ये एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया तो शायद यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और जो घुसपैठ की समस्या होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो भारत हमेशा इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने का पक्षधर रहा है। इसके अलावा आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं, इस पार्ट को देखिए, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने चाइना को सीड किया हुआ है, मतलब उसे दिया हुआ है 1963 के वॉर के बाद। अब इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में, आप इसको देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है। जरा पिछले मैप में आप देख लेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है और इस पॉइंट का नाम है NJ9842। यहाँ जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों हो जाती है, इसका कारण ये है कि इससे आगे चट्टानों वाला और पहाड़ों वाला हिस्सा है तो वहाँ तो रेखा खींची नहीं जा सकती, तो यहाँ से आगे सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होता है। अब हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये आपको पिछले मैप में बताया था, ये NJ9842 है, तो इससे ऊपर को सियाचिन ग्लेशियर प्रारंभ हो जाता है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो विवाद है वो इस वजह से है, 1972 के शिमला एग्रीमेंट के तहत यह माना गया कि NJ9842 जो LOC का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, LOC के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से उत्तर की ओर जब हम जाएंगे तो ये भारत की सीमा होगी, भारत इसे LOC का दर्जा देगा। परंतु पाकिस्तान हमेशा ये मानता रहा है कि LOC को अगर हम सीधे आगे बढ़ाएं तो ये कायदे से भारत के बॉर्डर का काम करना चाहिए, ये भारत का बॉर्डर होना चाहिए। परंतु भारत 1972 के शिमला एग्रीमेंट को फॉलो करता है जो कहता है कि NJ9842 के नॉर्थ वाले हिस्से में अगर हम जाएंगे तो ये ही LOC का असली रूप होगा। तो इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है। परंतु 1970 के दशक में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने माउंट एक्सपीडिशन भेजने स्टार्ट हुए तो भारत को लगा कि पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान इसे हथियाना चाहता है, तो उस समय 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमारे भारत के जांबाज सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया और तब से हमारी सेना यहाँ पर लगातार 12,000 फीट की ऊंचाई पे, लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई पे हमारे सेना के जवान आज यहाँ देश की रक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं। और इसी के पैरेलल जो ग्लेशियर है वहाँ पर पाकिस्तान की सेना भी सर्व करती है अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जम्मू एंड कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जाना। आगे कुछ और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये 740 किलोमीटर लंबी है नियंत्रण रेखा, और इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण बात वो ये कि ये 740 किलोमीटर लंबी है परंतु 550 किलोमीटर लंबी LOC पर हमने कंसर्टिना वायर्स लगाई हुई हैं। कंसर्टिना वायर्स मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार की वायर्स को कंसर्टिना वायर्स बोला जाता है। तो ये कंसर्टिना वायर्स जो लगभग 2.5 मीटर से 3.5 मीटर या 4 मीटर तक की ऊंची हैं, ये कंसर्टिना वायर्स वहाँ पे लगाई गई हैं। इन कंसर्टिना वायर्स पे करंट फ्लो करता है, यहाँ पे कैमराज लगे रहते हैं घुसपैठ को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से ये अवरोध और दोहरी बाड़ लगाई गई है LOC पर 540 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आज दोस्तों हमने ये LOC के बारे में पढ़ा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे बोलूँगी।